कभी भी जिंदगी में कोई भी जोश में फैसला ना ले। जोश क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपने कुछ सक्सेस की सीढ़ी पार की, आप आज कुछ तरक्की की तरफ जा रहे हो, जोश में हो। हम अक्सर जब बहुत खुश होते हैं, कोई अचीवमेंट बड़ी मिल जाती है, हम लोगों को वादे कर देते हैं, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे वो चीज ला कर दूंगा, या मैं ऐसा तेरे साथ करूंगा, कभी प्रॉब्लम होगी तो मुझे याद कर लेना। दोस्तों, हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक बर्थ टू डेथ की सिर्फ एक जर्नी है, सिर्फ उस जर्नी का आप पार्ट हो जिस जर्नी को आपको तय करना है। इस जर्नी को या तो हंसी खुशी से आप पार कर लो, या दुखों से पार कर लो, या जीवन में कुछ करके दिखा दो कि लोगों का आप रोल मॉडल बन जाओ, या फिर उस जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ कर दो। सुबह उठना, पूरे दिन वही दिनचर्या करना, लोग अक्सर मैंने देखे हैं जिंदगी का डेली शाम को पार्टी, शराब में डूबना और वही जिंदगी पूरी पार कर देना, ये कुछ जीवन नहीं। आप जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, जैसे आपका मन करे वैसे ही जिए, पर साथ ही जो भी कोई आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपने जिंदगी में अपने सपने सजोए हैं, सपने देखे हैं, उनके लिए प्रयत्न डेली करें, रोजाना करें। कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझनी भी चाहिए। कभी भी मैं आपको तीन बातें बताऊंगा जो आपको अपनी जिंदगी फॉलो कर जरूर करनी चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है प्रॉब्लम में नहीं आओगे। ये चाणक्य की नीति बोलती है, पहली बात बोलती है कि आप कभी भी खुश हैं, बहुत खुशी में कभी किसी को कोई वादा ना करें। हम अक्सर जब बहुत खुश होते हैं, कोई अचीवमेंट बड़ी मिल जाती है, हम लोगों को वादे कर देते हैं, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे वो चीज ला कर दूंगा, या मैं ऐसा तेरे साथ करूंगा, कभी प्रॉब्लम होगी तो मुझे याद कर लेना। कभी भी ज्यादा जोश में आप हो, मतलब खुश हो बहुत ज्यादा, और आपके दिल में बहुत खुशी है, उस खुशी में आकर आपने किसी को वादा कर दिया, तो वो वादा पूरा भी करना होता है। और जब आप वही वादा पूरा नहीं करोगे, तो वही लोग जो आपके अपने हैं, वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो बेहतर है वादा मत करो अगर बहुत खुश हो। हमेशा किसी को वादा जब आपको करना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए खुद अपने आप से, तभी वादा करना चाहिए। दूसरी बात बोलती है, कभी भी आप गुस्से में किसी को जवाब मत दो। पर ऐसा ही करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। होता क्या है कि जब भी कहीं पर भी कोई आर्ग्यूमेंट छिड़ा, क्यों आर्ग्यूमेंट जैसे शुरू हुआ, किसी ने आपको एक गाली दी, आपने दो गालियां दी, किसी ने आपको बुरा भला बोला, आपने भी उसको बुरा भला बोला, आपको आकर किसी ने भी, मतलब आपका कोई अहित करना चाहता है, उसने आपको थोड़ा आपको आगे भड़काया, आप गुस्से में आ गए, और गुस्से में आते ही आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। फोन पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला एक बात बोलता है, हम उसको फोन पर गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमारे पास तो कोर्ट में ऐसे कई सारे मामले आते हैं कि उसने गालियां दी, उसने जान से मारने की धमकी दे दी। हालांकि जो वो उस समय जब कन्वर्सेशन चल रहा था, तो वहां मोटिव किसी को मारने का नहीं था, पर मुंह से कई सारी बातें निकल जाती हैं। तो गुस्से में, जब आप गुस्से में हो, मैं आपको बता रहा हूं, गुस्से में हमेशा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, पेशेंटली सोचना चाहिए, बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझना चाहिए, या फिर अगर वहाँ पर गुस्सा आप हो रहे हो, आपके सामने कुछ बातें ऐसी आई हैं, तो बेहतर है वॉकआउट कर जाओ, वहाँ से आप निकल जाओ, चले जाओ वहाँ से। पर गुस्से में कोई भी रिप्लाई आप बिल्कुल ना करें। गुस्से में आप जब रिप्लाई करते हो, प्रॉब्लम होती है, और उसी वक्त जब गुस्से की वो परिस्थिति है, तो बेहतर है शांत रहें, या तो वहाँ से आप निकल जाएं, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, वरना आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हो। तीसरी बात आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी जिंदगी में कोई भी जोश में फैसला ना ले। जोश क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपने कुछ सक्सेस की सीढ़ी पार की, आप आज कुछ तरक्की की तरफ जा रहे हो, जोश में हो, बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है आपके अंदर, आपने कोई फैसला ले लिया जो गलत हो सकता है। कभी भी आप बहुत ज्यादा जोश में है, मतलब कि किसी ने एकदम से आपको बोला कि तू ऐसा कर, बहुत अच्छा कर सकता है। खास करके मैंने कई बार एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग, मतलब इलेक्शन जब लड़ने के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ते हैं और जोश में आकर घर तक भेज देते हैं, इलेक्शन में सब पैसा लगा देते, जोश में आकर, कि लोगों ने उनको चढ़ाया हुआ होता है, बाद में इलेक्शन हारते हैं, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। या फिर जोश में आकर लोग किसी के बहकावे में आकर गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूट में होती है। जोश में आकर जितना पैसा जोड़ा था, गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल आपका है, जिंदगी आपकी है, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी आप जिए, पर मैं बता दूं कि जोश में कोई भी किसी तरह का आप फैसला ना लें। जोश में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए।